यार वेलकम बैक टू माय चैनल। यार गर्मी थोड़ी सी बढ़ चुकी है लेकिन यहाँ पे यही रोना चलता रहता है, हाय सर्दी हाय गर्मी। लेकिन उसके अलावा भी सोजा के चैनल पे बहुत सारी क्रेजी चीजें होती है जिसमें से ओह गॉड आज हम ये क्रेजी हील्स ट्राई करने वाले हैं। वैसे ये आइडिया पूरा था इसे थ्रो करने का, थोड़ा सा स्कैरी है यार। लेकिन इन चीज़ों को ट्राई करने से पहले मैं ऑलरेडी ग्रेटफुल हूँ कि हमारी मॉम्स को ना यार इतनी लंबी लंबी हील्स पहनने का ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि हमें ना फ्लाइंग चप्पल्स की जगह फ्लाइंग हील्स मिल रही होती है और वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। बट अभी के लिए हम इन्हें ट्राई करते हैं एंड सी की ये क्या है ये चीज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितनी हमारी हील्स का साइज ऊपर जा चुका है उतना ही हमारा कैमरे का एंगल नीचे आ गया है। ये 6 इंच लॉन्ग हील्स है, मैंने कभी भी नहीं पहनी है, मैंने सिर्फ इन्हें मॉडल्स वगैरह को या टीवी पे ही देखा इन्हें पहने हुए। आज हम भी ट्राई करेंगे यार, बहुत डर लग रहा है। एक सेकेंड, आई नीड हेल्प, सॉरी मनी, अभी भी नहीं दिख रहा। ये मेरे को आ तो गया है। पता है ये वाले हैक्स ना मैंने बहुत देखे कि इसको ना ऐसे बांधो तो सिक्योर हो जाता है। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। आई एम डन, लुक एट इट भाई साहब, कितने कूल लग रहे हैं। मैं और ऊंची हो गई। मैं अपना फ्रेम आज बिल्कुल भी सेट नहीं कर पा रही हूँ, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। बट एनीवे जस्ट लुक एट इट, डोंट ट्राई दिस एट होम, आई एम हियर फॉर यू। आंखों के सामने लाइट फ्लैश हो गई मुझे, हम होंगे कामयाब। पता है 3200 रुपीस के है एंड आई नीड हेल्प, आई नीड अ हैंड। मैंने आओ इन्हें टेस्ट करते हैं क्या हम इनमें चल पाएंगे, पहले खड़े तो हो जाए। ऐसे बारबी वाले शूज लग रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं चलता इसमें, भूत लग रही हूँ मैं। अगर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो में मॉडल नहीं बनी तो हम तेको निकाल देंगे। मेरी जितनी लंबी हो गई है, हम फाइनली मन्नी की हाइट जितना पहुंच ही गए हैं। ये वैसे पता है बहुत ही सही है, जिन्हें लाइक हाइट वगैरह चाहिए अपने लुक में, किसी भी लुक में, दीज आर अमेजिंग। यू नीड प्रैक्टिस बट अदरवाइज दे फील कम्फर्टेबल, लाइक ओकेश है, लाइक इतने भी अनकम्फर्टेबल नहीं है, जिसकी थोड़ा डर लगता है बट मजा आ रहा है। एक बार इनमें प्रैक्टिस हो गई ना भाई साहब, मैं क्या भागने वाली हूँ चोरों के पीछे, वो डर जाएंगे यार। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे न्यूड कलर में हील्स, इसके नीचे से रेड सोल दे रखा है। यार देखो मेरे को ना हील की जो हाइट है वो इतना स्केयर नहीं करती, जो ये फ्रंट पार्ट होता है ना ऐसे मोटा सा, ये मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इससे ट्रिप होती हूँ सबसे ज़्यादा मैं। ये तो ठीक है हम संभाल लेते हैं, बट ये ऐसे हो जाता है। वो पता है जब मेरे स्कूल में फेयरवेल हुई थी ना तब सारी लड़कियाँ ऐसे वाली हील्स पहन के आ रही थी, मैं तो नॉर्मली पहन के गई थी क्योंकि आई एम लाइक कम्फर्ट पहले, बट पता नहीं क्यों मेरे को एकदम ऐसे चस्का चढ़ गया कि मेरे को ये ट्राई करना है। ओ ये बहुत टाइट है, बट इसका अच्छा पार्ट ये है कि इसके पीछे ना ऐसे सपोर्ट दे रखा है। भाई साहब ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, इतनी मेहनत लगी है इनको पहनने में, लिटरली मेरा पैर ऐसे है लाइक बिल्कुल सीधा, लुक बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है, इट्स नॉट इवन लाइक दिस कम्फर्ट, ऐसे ऐसे कौन करता है यार किसी के साथ, पनिशमेंट तोड़ के डाएंगे। वॉकिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट बाद में करेंगे जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। और दिस इज एक्चुअली नाइस टू वॉक इन, पता है क्यों, क्योंकि पीछे कवरिंग दे रखी है तो मेरा पैर ना निकल नहीं रहा जैसे पहले वाले में निकल रहा था, तो ये कम्फर्टेबल है, गुड। हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो लगेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही हूँ। यार देखो ये वैसे दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे देखते लगेगा वाह ये मुझे चाहिए, ऐसे शाइनी शाइनी ग्लॉसी थिंग, एंड वैसे भी न्यूड कलर है हर किसी चीज़ के साथ चलता है, बट पैर पूरे टाइम तुम्हारा ऐसे खड़ा रहेगा। आई डोंट नो तुम कितने घंटे छोड़ो मिनट भी इसे पहन पाओगे, तो या थोड़ा सा तो वियर्ड है। एंड ये 3000 रुपीज़ के, तो अगर मैं अपने 3000 रुपीज़ वैसे कहीं भी स्पेंड कर रही हूँ तो मैं तो नॉर्मल हाइट के हील्स ले लूँगी, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लाइक इट्स लिटरली सीधा प्लेटफॉर्म, लाइक जस्ट लुक एट इट, नो नो। और क्रेजी वाली हील्स ट्राई करने से पहले टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय सिंपल एंड दे हैव सेंड मी देयर रेंज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू ट्राई फॉर यू गाइस। वी आर ऑलवेज केयरफुल अबाउट व्हाट गोज इनटू आवर बॉडी एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ व्हाट गोज इनटू आवर स्किन, दैट मीन्स ट्राइंग टू अवॉइड फ्रेग्रेंस, कलर और एनीथिंग दैट योर स्किन डजंट नीड नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज। फर्स्ट इज सिंपल काइंड टू स्किन मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, जेंटली मसाज इन सर्कुलर मोशन एंड रिंस इट ऑफ विद नॉर्मल वॉटर। ऑल देयर फेस वॉशेस आर 100% सोप फ्री एज सोप्स कैन ड्राई and irritate the skin. It has skin friendly pH, cleaner formulations and no harsh chemicals. Basically no baddies and all goodies for your skin. Its texture is very cream cum gel like and is very gentle on skin. It's super lightweight on skin and gives that instant glow. Next is serums. Apply a few drops of simple 10% niacinamide plus pro vitamin B5 booster serum on the face and massage in circular motion very gently and that's all. No heavy feeling, texture is super lightweight and non greasy. Best part is you're giving that hydration
skin and moisturization to your skin that it needs without harming it at all. This has 10% niacinamide, a very powerful ingredient with a lot of benefits. It helps control oil and is even suitable for sensitive skin. Also, make sure you're being consistent with what you're using to see the result and use what suits your skin. So do check these products out from the description box down below. Modeling ke saath saath hotness bhi badhti ja rahi hai. Next hai hamare paas aise velvet fabric based stiletto peep toes wale and iska design bahut hi aise simple basic sa nahi lag raha. In fact, jo aage ka jo ye cheez hai, ye bhi kam hai. Like sab kitni moti moti badi badi thi, iska comparatively kam hai. But सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी इसका प्राइस है 4700 अराउंड, थोड़ा सा आगे पीछे. यस, आराम से फिट हो गया. वाओ, दिस लुक सो प्रिटी. अगेन हील बहुत ज्यादा मेरे को सुंदर लग रही है एंड इसमें ना पैर इतना खड़ा हुआ सा नहीं फील हो रहा है. अच्छी हाइट है, लाइक वेरी कंफर्टेबल. चल के देखते हैं दूसरा. जस्ट लुक एट इट, सो प्रिटी. ये तो ऐसे ऑफिस वगैरह में भी पहन के जा सकते हैं ना. एक सेकेंड, ये मेरे पैर से निकल रहा है चलते हुए. थोड़ा सा लूज है ये मेरे को. वाय, कुछ टाइट है कुछ लूज है, समझ सा नहीं आ रहा है मेरे को. बट वेरी वेरी कम्फी. वाओ, दिस लुक्स सो गॉर्जियस एंड मेरे को लग रहा है कि ये काफी मेरे इवेंट्स वगैरह में भी आराम से चल जाएगा. बट दीज आर सो एक्सपेंसिव नाउ. ऐसा लग रहा है ऐसे वाले डिजाइन तो आराम से मिल जाते हैं. बट अगेन क्वालिटी आई गेस सॉफ्ट है यार, कम्फी है. इन्हें कहते हैं स्टिलेटो ग्लैडिएटर्स एंड इसको एक मिनट खोलना पड़ेगा. सो सॉफ्ट या ऐसे स्वेड फैब्रिक में है ये एंड जस्ट लुक एट इट ब्यूटी. ये सब दिखने में तो ज़्यादा प्रिटी है बट अगेन टेस्ट तो करना ही पड़ेगा. सिर्फ इसको देखो, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सेक्सी लग रही है. एंड पता है मैंने काफ़ी लोगों को स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को भी पहने देखा है एंड इतनी ज़्यादा मस्त लगती है ये. एंड वाई नॉट जस्ट लुक एट इट लाइक प्रॉपर हील. इसका ना अंदर से सोल भी काफ़ी सॉफ्ट है तो पहन के इतना हार्श हार्श और हैवी नहीं लग रहा है. काफ़ी हल्की है ये. प्राइस वाइज देखिए 4000 rupees की है. कैन यू बिलीव इट. आई गेस जितनी महंगी हो रही है बट कम्फर्ट भी आ रहा है उतना. तो ओके लेट्स सी. मैं ये टाई अप तो कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों ये बाद में थोड़ी देर में ढीले होके खुद फिसल रहे हैं मेरे पैरों पे. तो ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो. इतनी ज्यादा प्रिटी लग रही है मेरे को ना. इसकी हील सबसे ज्यादा सुंदर लगी है अभी तक की. इट्स सो नाइस. अरे इसमें चलना इजी है. सी, या फिर हमें प्रैक्टिस हो गई है. वी आर रनिंग इन इट. वाह, ये देखा ही नीचे हो गए. ज्यादा टाइट बांधूंगी तो खून रुक जाएगा मेरा, निशान पड़ जाएगा. दैट्स नॉट गुड. नेक्स्ट है हमारे पास ये हील्स जो कि मुझे हमेशा से ट्राई करने थे क्योंकि अगेन मैंने ये मोस्टली हर किसी को पहने हुए देखा है यार. एक तो सबसे प्यारी बात मेरे को इसकी ये लगी कि ये ट्रांस कि ये ट्रांसपेरेंट है. हाय यार, काश मैं इसको खोल के अंदर कुछ अपना एक्वेरियम वगैरह बना पाती. मतलब ऐसे नकली वाला बहुत ऐसे कुछ कुछ यू नो डीआईवाई कर सकते हैं इसके अंदर. ये खाली है. इसमें ना बहुत ऐसे वियर्ड सी आवाज़ आ रही है. जो ये थिंग है ना, इट्स लाइक रबरी प्लास्टिक की, तो पहनते हुए बहुत ही पुट 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 आवाज़ आ रही. सो कम्फी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर जगह से मेरा पैर प्रोटेक्टेड है, ऐसा फील हो रहा है इसकी वजह से मुझे. अब मुझे ये समझ में आ गया ये डिज़ाइन क्यों है. पूरा ऐसे पकड़ा हुआ है इसने मेरे पैर को हर जगह से. ये सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील कर रहा है तो आई गेस चलने में इजी होगा. ट्राई करते हैं. मैं वो लग रही हूँ जो ऐसे शॉपिंग करने जाती है हील्स की, भैया ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, पूरी दुकान फैला देती है बट लेती कुछ नहीं है. भाई साहब, अब तो हम उल्टा भी चल पा रहे हैं. 1 2 3 go. भाई साहब, डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है मेरी वॉक, कॉन्फिडेंस भी आया है और अब डर भी नहीं लग रहा है. इनका प्राइस है अराउंड 2700 rupees बट क्वालिटी इज अमेजिंग. मुझे बहुत ही अच्छा कम्फर्ट आ रहा है. मेरे को ऐसे शू बाइट वाला भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है. आई कैन डेफिनेटली सी माई सेल्फ वेयरिंग दीज एंड हाँ, ये क्रेजी दिखते हुए भी काफ़ी कम्फर्टी है यार. तो बहुत ही प्यारी है. वही मेरे को यहाँ पे पक्का कुछ करना है यार. यहाँ मेरे को चुर मच रही है, यहाँ कुछ DIY होगा. चिंता मत करिए, हमारे यहाँ हर वेरायटी की चप्पलें हील सब मिली जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास बिल्कुल ही ऐसे फैंसी ग्लिटरी पार्टी या फिर वेडिंग वाली हील्स. अगेन आगे से वही मोटा वाला हील दे रखा है, पीछे हील है 6 इंच की. तो ओके, इसे पहनना बहुत ईजी है, बस पैर स्लिप करना है हमें इसमें अपना. नाइस. देखो मेरे प्यारे दर्शकों, जो ये हील है ये 3000 rupees की है. अब देखो, हाँ ये एक्सपेंसिव था क्योंकि ये वाला डिज़ाइन वगैरह मिल जाता है इजीली. एंड फिर तुम्हें लगेगा कि अगर ये महंगे है तो ये कंफर्ट देती होगी, लेकिन 5 मिनट पहनने के बाद मेरे को ऑलरेडी इसमें पेन होना शुरू हो गया. इनफैक्ट आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट
उंगली जिसमें मेरे को पेन हो रहा है, लास्ट सेकंड वाली फिंगर इसने मेरी बिल्कुल दबा दी है, मेरे को बहुत ही पेन हो रहा है, इनफैक्ट ये थोड़ी सी लाल भी हो गई है. यस वी आर नॉट बीइंग ओवर ड्रामेटिक, वो सच में हो गई है. तो बाय बाय, नॉट गुड. इन्हें देखो, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसे घूर घूर के देखो क्योंकि ये 5600 रुपीस के, इट्स सो क्रेजी. इसका प्राइस इज वुश. डिजाइन वाइज इट्स सो सिंपल. यार तुम मेरे को बता दो ये असली क्या कोई महंगे वाले क्रिस्टल्स हैं? वैसे इसकी हील्स बहुत ज्यादा प्रिटी है, इट्स सो पतला, इट्स एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबल. इन फैक्ट जो इसका सोल है ना, दिस थिंग, ये ऐसे पुश बैक हो रहा है, ये वापस, सी इट्स सो सॉफ्ट. सारे पैसे इसी बात के, कंफर्ट, इट लुक्स सो नाइस, सो लाइक क्लासिक रेड, प्यारी पतली हील्स, इट्स लाइक क्लासिक पीस टू हैव इन योर क्लोजेट. एक्चुअली सो नाइस, वाओ. आई गेस ये मेरी हाइट पे भी अच्छा लग रहा है. आई डोंट नो, आई जस्ट लव देम. ये काफी ज्यादा प्रिटी है, आई नो क्रेजी प्राइस, बट द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स. जो ये तुम्हें ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स दिख रहे हैं ना, ये फोटो में वाइट थे और मुझे लगा था वाओ ये कितना ऐसे लाइक कूल डिजाइन है, मैंने कभी नहीं देखा, बट अब ये ऐसे आया है तो मेरे को ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा है. बट अगेन बिग हील, ये कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है. ओके कम्फी, इन स्ट्रैप्स ने अगेन मेरे पैरों को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रखा है, तो वो अच्छी चीज है. ओ माई गॉड ये कितने ज्यादा सही लग रहे हैं. ये थोड़ा सा लूज है लास्ट वाला ये, बट ठीक है कोई बात नहीं. मैं अब इन हील्स में चल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, भाग पा रही हूँ, दौड़ पा रही हूँ. अभी पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, बट या क्वाइट कंफर्टेबल. ऑब्वियसली हमें ध्यान से तो चलना ही है इनमें क्योंकि हील्स है यार ये, तो इन पे बच के ही चलना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. तो या ऑल्सो ये 3200 रुपीज के, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ऑलमोस्ट अभी जितनी भी हील्स हमने ट्राई किया सब 3000 से स्टार्ट हो रही है. आई गेस ये हील जितनी बढ़ती रहती है ना प्राइस भी उतना बढ़ता रहता है. फिर दे डोंट केयर कि कंफर्ट मिल रहा है या नहीं, वैसे कंफर्ट है कहीं कहीं, बट मोस्टली ऑब्वियसली इतनी लंबी हीट में बंदा अनकंफर्टेबल ही होगा चाहे वो एक मिनट के लिए भी पहने से. तो आई डोंट नो लाइक व्हाट्स हैपनिंग हियर. अभी तक की सबसे ऊंची हील्स, जस्ट लुक एट इट, ये आई गेस मेरे मुंह से भी बड़ा है, मेरे मुंह जितना तो है ये. भाई साहब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ चढ़ूंगी इन्हें पहन के, दिस इज सो क्रेजी. ऊपर से डिजाइन बहुत ही सिंपल है, ऐसा लग रहा है कि लोकल मार्केट में भी ये डिजाइन आराम से मिल जाता है. इट्स जस्ट की ये हाइट के पैसे है, आई एम टेलिंग यू, ये 6400 रुपीज के है. सो क्रेजी, ये बहुत ज्यादा हाइट दे रहा है मेरे को, एंड चला तो जा रहा है इसमें. मेरे को लग रहा है मेरी काफी प्रैक्टिस हो गई है अब तो, या इस वजह से भी चला जा रहा है. क्वाइट नाइस, बहुत ही ज्यादा न्यूड है, लाइक लिटरली मेरे स्किन टोन से मैच ही कर रहा है ये. नथिंग टू कंप्लेन अबाउट अभी तक, एक्सेप्ट द प्राइस. आई गेस मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हील्स लिए हुए. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम कि लाइक इन वाली चीज़ों का ऐसे क्या प्राइस रहता है इतनी लंबी हील्स का. तुम मुझे बताओ क्या यही प्राइस रहता है या फिर ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर ठीक है एज एन इन्वेस्टमेंट, यू लेट मी नो. ऑल्सो भाई साहब पहली बात तो मैं थक गई, बट वो सो मच फन. ऐसा लग रहा है कि मेरा क्रेज ना हील्स को पहनने का दोबारा जग चुका है. बचपन में जगा था जब हम मम्मी की हील्स वगैरह पहन के खुश हो जाते थे, बट अब मेरे को और भी क्रेजी हील्स ट्राई करनी है. अगर तुम्हें और भी कुछ मिले ना प्लीज़ मुझे एक बार नीचे बता देना, मे बी विल ट्राई दैट. तुम मुझे बताओ कि इन सब तुम्हारी फेवरेट हील्स कौन सी थी आज इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. एंड या लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन. बाय, स्टे सेफ, बाय.